नमस्कार, संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कल पेपर दिया होगा और पेपर अगर आप लोगों ने देखा हो तो पेपर का लेवल पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा सा टफ पेपर आया है। वो टफ पेपर आपके हर एक सेक्शन में आया है। मैथ्स में भी क्वेश्चन टफ आए हैं, रीजनिंग में भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ आए हैं। और ऐसा नहीं था कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं किए जा सकते, कुछ क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते थे, लेकिन हाँ कुछ सवालों में जरूर आपको समस्याएं आई होंगी क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो एक बार जो जो आप लोगों ने आंसर स्टिक आउट किए होंगे या जो जो सवाल सॉल्व किए होंगे, मैं रीजनिंग का सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। एक बार आप सारे लोग उस आंसर से मैच कराएंगे कि आपका आंसर कितना सही या कितना गलत रहा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं, ये सेट बी है आपका और सेट बी में हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका आया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का एक आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था। देखिए यहाँ पे जीरो को लिखा गया है, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, जीरो को कोड किया गया है CHUR से। तो आपसे पूछा गया है प्लेयर को कैसे कोड करें। आप लोगों को प्लेस वैल्यू सबकी पता होगी, 26, 5, 18 और 15, ये 3, 8, 21 और 18। और आपने देखा 26 से अगर मैं 3 पे जा रहा हूँ तो प्लस 3 करना पड़ा, 5 से 8 पे जा रहा हूँ तो प्लस 3 करना पड़ा, 18 से 21 में भी प्लस 3 करना पड़ा और 15 से 18 में भी प्लस 3 करना पड़ा। तो सारे ही सवालों में क्या हो रहे हैं, प्लस 3। तो आपके जो प्लेयर का कोड बनेगा वो भी प्लस 3 के साथ बनेगा। हम सारे कोड को चेक नहीं करेंगे, हम शुरुआत के 2 और अंत के 2 कोड को चेक करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे 16 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो आएगा 19 और 19 पे क्या आता है, S। तो आपने देखा सारे ही ऑप्शन में S है, तो आप अंतिम वाले में चेक कर लीजिए और अंतिम की वैल्यू है 18। 18 में अगर आप 3 जोड़ दें तो आएगा 21 और 21 पे क्या आता है, U। तो आपने देखा कि पहला लेटर आना चाहिए था S और लास्ट लेटर आना चाहिए था U, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर D में है, इसीलिए अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये, और एक एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं। बोला गया है ए आयु में बी से बड़ा है, ए सारे स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा, ए आयु में बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं, ये दूसरी स्टेटमेंट है, सी और डी क्या है, समान आयु के हैं। तीसरा ई आयु में सबसे छोटा है तो लोग कितने हैं, F, 6 लोग हैं, हमने 6 का स्पेस बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां कौन बैठेगा, F क्योंकि आयु में सबसे, सॉरी ई यहां पे बैठेगा, ई आयु में क्या है, सबसे छोटा है, तो यहां कौन बैठने वाला है, ई, लास्ट में कौन बैठने वाला है, ई। उसके बाद बोला गया F आयु में डी से छोटा है, F आयु में किससे छोटा है, डी से छोटा है, इसका मतलब डी F से बड़ा है, ये तीसरी स्टेट चौथी स्टेटमेंट थी आपकी। और अगली स्टेटमेंट बोला गया एफ आयु में ए से बड़ा है, तो एफ किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। अगर इन सबको हम अरेंज करें तो ए को रेफरेंस मान के हम अरेंज कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा ए बी से बड़ा है और एफ ए से बड़ा है और डी एफ से बड़ा है और सी और डी बराबर है और ई सबसे छोटा है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से। आपसे पूछा क्या गया है कि सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कितने कथनों की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि अगर मैं सारे कथन का इस्तेमाल ना करूं तो मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि सभी 5 कथनों की आवश्यकता पड़ेगी आंसर तक पहुंचने के लिए। क्लियर, यह था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 भी एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि परिवार में 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी और ई, ई का बी से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ई का बी से क्या संबंध है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अब उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट है, ए और बी विवाहित दंपति हैं, ए और बी आपस में एक दूसरे से विवाहित हैं,
ये बात तो क्लियर है, लेकिन आपको नहीं पता अभी तक कि ए का जेंडर क्या है या फिर बी का जेंडर क्या है। उसके बाद बोला गया डी पिता है सी का, इससे भी हम ई और बी के बारे में इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। आगे बोला गया ए और सी बहने हैं, अगर ए और सी बहने हैं तो पहली बार मुझे ये पता चला कि ए फीमेल है तो बी कौन होगा, मेल, क्योंकि आपस में शादीशुदा है। और उसके बाद बोला गया है कि ए और सी बहने हैं तो सी कौन होगी, बहन होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है डी पिता है सी का, डी कौन है, सी का पिता है। और डी अगर सी का पिता है तो अब जब तक आगे का इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चला, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, ई पुत्र है डी का, तब तक हम ई और बी का रिलेशन नहीं निकाल सकते थे। अब हम हमारे पास यहां से रिलेशन निकल के आ गया है, पूछा गया ई का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब हुआ ई बी का कौन है, तो ई बी का साला है। और अगर साला है तो आपसे सवाल क्या पूछा गया, बोला गया उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के बारे में कौन सा सही है, और सही के बारे में आपको क्या बोला गया है, सही के बारे में आपको बोला गया है कि कथन एक और कथन दो और कथन तीन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो एक दो और तीन से बिना चौथे का इस्तेमाल किया, बिना स्टेटमेंट फोर का इस्तेमाल किए हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते थे कि ए का जेंडर क्या होगा या सी का जेंडर क्या होगा। तो पहला तो ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, कथन एक कथन तीन और कथन चार प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन एक तीन और चार। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए डी पी पिता है सी का, और डी ही पिता है किसका, ई का। जब तक ये बात पता नहीं चलेगी ये भी नहीं आंसर दे सकते थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी चारों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ये है क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए अगले दसवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला गया ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बोला गया कि उस समूह को चुनिए जो अन्य समूहों से भिन्न है। अन्य समूहों से भिन्न जब भी हम निर्धारित करते हैं तो ये बात का ध्यान रखते हैं कि तीन सिमिलर होने चाहिए, एक ऑड होता है। अगर तीन एक समान होंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, ऑड। अब अगर आपने ऑप्शन नंबर ए देखा तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर से, ऑप्शन नंबर बी देखा तो ये भी सारे के सारे प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर सी भी सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ये तीनों ऑप्शन प्राइम नंबर है, लेकिन चौथा ऑप्शन जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ एक नंबर है 91 और 91 प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, 9 अंकों की संख्या। हाँ, ये एक क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको। बोला गया 7, 9 और 10 का रिलेशन जिस प्रकार 8 से है, 9, 11 और 30 का रिलेशन जिस प्रकार 5 से है, 11, 17 और 21 का रिलेशन जिस प्रकार 13 से है, तो 23, 4 और 15 का रिलेशन किससे होगा। अब जरा देखें, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 7 और 9 16 और 16 और 10 27, 16 और 10 26, अगर इन सबका जोड़ कर दें हम 7 प्लस 9 प्लस 10, तो 16 और 10 कितना हुआ, 26। अब क्या 26 से 8 बनाया जा सकता है क्या, तो अगर आप कहते हैं कि यूनिट डिजिट इसका आपस में ही सम कर दें तो 2 प्लस 6 कितना होगा, 8। लेकिन अगर ये बात अगले में फॉलो हो रही है तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में जरा देखिए, 9 प्लस 11 20 और 20 और 30 कितना हुआ, 50। और 50 में अगर 5 प्लस 0 कर दे तो ये 5 आ गया, मतलब यहां भी फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो 11 प्लस 17 28, 28 और 21 49 49, और 4 प्लस 9 भी कितना हुआ, 13। तो ये बात क्लियर हो गई कि सबका सम करना है और उसके बाद जो डबल डिजिट आ रही है उसका यूनिट सम करके आंसर देना है। तो यहाँ देखिए 23 प्लस 4 27, और 27 और 15 कितना हुआ, 42, और 4 और प्लस 2 कितना होगा, 6। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद। देखिए ये एक क्वेश्चन आपको दिखा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 125 सर्वसम घन, मतलब कि 125 घन जो है छोटे घन है, एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। कितने घर हर पार्श्व से अन्य घनों से घिरे हुए हैं, कहने का मतलब 125 छोटे घन बनाए गए हैं, और अगर 125 छोटे घन बनाए गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। इसमें लैंग्वेज चेंज की गई है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है आपको, है ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है इसमें।
और सेम क्वेश्चन आपको क्लासरूम प्रोग्राम में कराया गया है। देखिए, अगर 125 छोटे घनों में काटा गया है, इसका मतलब आपको पता है कि n क्यूब की वैल्यू है 125, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और नंबर ऑफ पार्ट अगर 5 है तो उसके लिए कितने बार कट करने की जरूरत पड़ेगी? 4 कट की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक एज से आपको पता है 4 कट करने पड़ेंगे 125 छोटे घन बनाने के लिए। तो ये 4 कट कर दिया हमने, यहां से भी आपको 4 कट करने पड़ेंगे। और इस पॉइंट से भी 4 कट करने पड़ेंगे। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 125 छोटे घनों में काटा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों से घिरे हुए हैं। अन्य घनों से घिरे हुए हैं, इसका मतलब देखिए, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखें तो इसके अंदर वाला जो क्यूब बनेगा, इसके अंदर वाला जो भी क्यूब बनेगा, वही एक ऐसा क्यूब होगा जो बाकी सारी जगहों से घिरा हुआ है। ऐसा क्यूब कौन सा बनेगा? इसके पीछे वाला, इसके नीचे वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, ये सारे के सारे क्यूब कौन होंगे? जो बाहर के क्यूब से घिरे हुए हैं। और अगर घिरे हुए हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाला क्यूब या इसके अंदर पाए जाने वाला क्यूब, सिंपल है कि उस पे कोई सरफेस कलर्ड नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन में ये इन्होंने लैंग्वेज चेंज की है, हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरा गया हो, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपसे पूछा गया ऐसे कितने घन हैं जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं है। और कोई भी सतह अगर रंगीन नहीं है, आपको पता है वैल्यू, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे? n-2 का क्यूब कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। तो 5 में से 2 घटा के और इसका क्यूब करना है, अंतिम वैल्यू आ गई 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किया जा सकता था, आसान तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर सकते थे आप इसको। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं अलग से लिख देता हूं, यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा आप, ए बी सी के बाद डैश है, उसके बाद वापस डैश है, फिर ए बी सी, फिर डैश डी है, उसके बाद वापस ए डबल बी सी डी और डैश ए बी सी डी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपने देखा इस क्वेश्चन में कि एक बार रिपीटिशन हुई है लेटर्स की। क्लियर? क्या आपको दिखा यहां पे कि यहां पे लेटर्स का रिपीटिशन हुआ है। तो लेटर्स के रिपीटिशन में स्टार्ट करें हम, तो सबसे पहले ए बी सी, सी के बाद अगर मैं यहां डी भर दूं तो इसके आगे सबसे पहले लास्ट वाला जो लेटर है वो दो बार रिपीट हो रहा है, ए बी सी के बाद ये डबल डी, फिर ए बी सी, फिर सेकेंड लास्ट लेटर दो बार रिपीट हुआ ए बी डबल सी डी, फिर उसके बाद सेकेंड लेटर दो बार रिपीट हुआ ए डबल बी सी और डी। तो अब की बार कौन सा रिपीट होगा? पहला लेटर रिपीट होगा, तो पहला लेटर है डबल ए बी सी और डी। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर बना हो गया बना डी डी सी ए, डी डी सी ए, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? सी, सॉरी डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 के बाद अगला क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं 47 क्वेश्चन पे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इस सवाल को आप छोड़ सकते थे अगर आप चाहते तो, क्योंकि ये सवाल फिर आप रियल टाइम एग्जाम में आप बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये पहला रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप उलझेंगे तो बहुत बुरे तरीके से उलझेंगे। और अगर तुक्के में आंसर सही हो गया तो ठीक, नहीं तो नेगेटिव 100% आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू में से, ये एक सत्य कथन है कि पी और क्यू में से एक कार्य के लिए चुना गया है। पी और क्यू में से कोई एक ही है, चाहे वो पी है चाहे वो क्यू है, ये पहला स्टेटमेंट है और ये सत्य कथन है। असत्य कथन क्या है कि आर और एस में से कम एक को चुना गया है, ये क्या है? असत्य है, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है। आर और एस से कम एक को कार्य के लिए चुना गया है, ऐसा ही लिखा होगा, एक को कार्य के लिए चुना गया है।
तो आर और एस में से कम एक चुना गया है कार्य करने के लिए, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। एक बार हम पहले इसको ट्रू मान लेते हैं कि आर और एस में से कम एक, कम से कम एक का मतलब होता है एक हो, एक से ज्यादा हो जाए, एक से कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है आर को चुना गया, हो सकता है एस को चुना गया है, हो सकता है आर एंड एस दोनों को चुना गया। पहली बार हम इसे सत्य मान रहे हैं, उसके बाद सत्य कथन क्या कह रहा है कि आर एस और टी में से अधिक दो को कार्य के लिए चुना गया है। अधिक से अधिक दो का मतलब होता है दो से कम हो, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप देखो, या तो आर को चुना जाएगा, या तो एस को चुना जाएगा, या तो टी को चुना जाएगा। मतलब अगर सिंगल सिंगल बात करें तो आर एस टी में से कोई एक चुना जा सकता है। अगर डबल की बात करें तो आर एस को हो सकता है चुना जाए, हो सकता है एस और टी को चुना जाए, हो सकता है टी और आर को चुन लिया जाए। ये बात आपको कही गई है, ये तीन स्टेटमेंट के बेस पे मैंने ये पॉइंट लिख दिया। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निकाले जा सकते हैं। आपको बोला गया कार्य के लिए कम से कम चार प्रत्याशी चुने गए। कार्य के लिए कम से कम क्या चुने गए? चार प्रत्याशी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया कि आर और एस क्या है, में से कम एक को कार्य के लिए चुना गया है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ है? आर और एस में से किसी को कार्य के लिए नहीं चुना गया है। और टोटल हमारे पास लोग ही कितने थे? तीन और दो, पांच लोग थे। पांच में से दो को काम के लिए अगर नहीं चुना गया है तो आपसे बोला गया आर कार्य के लिए कम से कम चार प्रत्याशी चुने गए, यह पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, एस को कार्य के लिए चुना गया है, यह भी गलत है, क्योंकि आपके असत्य कथन में बोला गया है कि आर और एस कम से कम एक कार्य के लिए चुना गया है। इसका मतलब आर और एस को कार्य के लिए चुना नहीं गया है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू बनाएंगे तो क्या होगा कि इनको चुना नहीं गया है। इसका मतलब दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ना तो पहला कथन और ना ही दूसरा कथन सही है। क्लियर? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोला गया है, मान लीजिए पी क्यू और आर और एस, पी क्यू आर एस और टी पांच कथन है। इस प्रकार यदि पी सत्य है तो क्यू और एस दोनों सत्य है। अगर पी सत्य है तो क्यू और एस दोनों क्या है? सत्य है। और यदि आर एस सत्य है, अगर आर और एस सत्य है तो टी असत्य है। क्लियर है? ये आपको दो कथन दिए। बोला गया इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। देखो ध्यान रखना कि अगर P सत्य है तो Q और S सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर Q सत्य है तो P सत्य होगा या S सत्य है तो P सत्य होगा। हमेशा आप देखो, P से Q S की बात की गई है, Q से S, Q और S से P की बात नहीं की गई है। क्लियर है ना? मतलब ये हुआ कि अगर Q सत्य है तो जरूरी नहीं है कि P सत्य है, लेकिन P सत्य होगा तो Q और S को सत्य होना पड़ेगा। यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। दूसरा बोला गया कि R और S अगर सत्य हैं तो T असत्य है। R और S अगर सत्य है तो T क्या है? असत्य। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर T सत्य है तो R और S क्या होंगे? असत्य होंगे। हो सकता है ना कि T अगर सत्य है तो R और S क्या होंगे? असत्य। अब बोला गया कि यदि T सत्य है तो P और R में से कम एक अवश्य सत्य है। अब जरा देखिए ध्यान से, मैं अगर इन सबको सही करता हूं, जैसे मान लो P अगर सत्य है तो Q भी सत्य है, एस भी सत्य है। क्लियर है ना? और अगर टी सत्य है तो आपसे बोला गया आर और एस क्या होंगे? असत्य होंगे। आर और एस क्या होंगे? असत्य होंगे। तो अगर मैं यहां पे क्या बोला गया, पी और आर में से कम एक, तो कम से कम एक में आर तो गलत ही है, आर तो हो नहीं सकता, लेकिन पी के बारे में आप कंफर्म कह नहीं सकते। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि पी के बारे में भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर टी सत्य है तो आर और एस तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन पी के बारे में कह नहीं सकते। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट ही बोली गई है कि पी, क्यू और एस सत्य है, और टी अगर सत्य है तो ये भी सत्य होंगे, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा। अब जरा देखिए, यदि क्यू सत्य है तो पी सत्य है, यदि क्यू सत्य है तो पी सत्य है, यदि Q सत्य है तो P सत्य है। अभी मैंने आपको बताया कि P सत्य है तो Q और S सत्य है, लेकिन अगर Q सत्य है तो जरूरी नहीं है कि P सत्य होगा। इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा है।
तो आपके ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही शानदार सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये एक क्वेश्चन क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। क्यूबॉइड के क्वेश्चन में बोला गया कि 7 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर गुणा में 3 सेंटीमीटर के एज वाले एक क्यूबॉइड को 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 × 3 = 7 × 3 के एज वाले सम्मुख फलकों को प्रत्येक युग्म को लाल, हरे और नीले रंग से रंगा गया। तब इस घनाभ को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा के विभिन्न घन अलग कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन हैं जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि क्यूबॉइड में 0 सरफेस कलर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। 0 सरफेस कलर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? n1 - 2 × n2 - 2 और n2 n3 - 2। अब n1 n2 n3 आपको पता है, तो यहां आप कर सकते हैं 7 - 2 गुणा में 5 - 2 और गुणा में 3 - 2। तो ये वैल्यू आएगी 5 × 3 × 1, तो निकल के आएगा 15। आपको बोला गया ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन है जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब आ जाइए दूसरे स्टेटमेंट पे। बोला गया ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन है जिनके ठीक ठीक 2 फलक एक नीले और दूसरा हरे रंग से रंगे हुए हैं। इसके लिए आपको क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा, और अगर आप क्यूबॉइड बनाएंगे, लेट से मैं यहां क्यूबॉइड बना रहा हूं, देखिए यहां पे मैंने क्यूबॉइड बनाया, मैंने इसको लेंथ दे दी 7 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर और इसको 3 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। बोला गया 7 × 5 मतलब ये वाले सरफेस को किससे कलर किया गया है? लाल रंग से कलर किया गया है। किससे कलर किया गया है? लाल से। दूसरा बोला गया 7 × 3, अब 7 × 3 वाला कौन होगा? ये वाला। इसको किससे कलर किया गया है? हरे कलर से, ग्रीन रंग से। और उसके बाद बोला गया है 5 × 3 को हरे रंग से करा गया है, 5 × 3 हरे रंग से। तो ये वैल्यू नहीं आएगी 5 × 3, ये वाली वैल्यू आएगी। इसको हरे रंग से रंगा गया है, और उसके बाद इसको किससे? नीले कलर से कलर किया गया, ये बोला गया है क्वेश्चन। अब आपसे बोला गया है कि ऐसे ठीक ठीक छोटे घन, 6 छोटे घन है जिनके ठीक 2 फलक एक नीले और दूसरा हरे रंग से हो। आपको दिख रहा होगा नीले और हरे रंग से, ये ऊपर वाला तो आएगा नहीं, बीच वाला आएगा ये, और ये नीचे वाला भी नहीं आएगा, तो इस साइड से एक आएगा। अच्छा, इस साइड से भी एक ही आएगा, इस साइड से एक आएगा, और इसके इस नीचे वाले एज से भी कितना आएगा? यहां से अगर आप बना रहे होंगे तो यहाँ एक आने वाला है। तो मिला जुला के ऐसे कितने कलर कॉम्बिनेशन बने हैं जो किससे हों? नीले और हरे रंग से रंगे हुए हों, वो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 ही ऐसे आ रहे हैं, और लिखा गया है 6, इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया था, बड़ा लंबा सा वर्ड है, और इसमें जो स्थिति आपको बताई गई है वो भी बहुत आसान है, लेकिन आपका टाइम काटने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन जानबूझ के बनाया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकम्प्रेसिबिलिटीज एक वर्ड है कि सारे अक्षरों को वर्णमाला के प्रतिलोम मतलब रिवर्स ऑर्डर में रखा जाता है, और रिवर्स ऑर्डर में रखने के बाद बोला गया अक्षर अक्षरों की कितनी स्थिति या स्थितियां ऐसी हैं जो अपरिवर्तित रहेंगी। तो अब जरा यहाँ पे आप लिखिए और इसको उल्टा करके आपको लिखना है। यहां इनकम्प्रेसिबिलिटीज हमने वर्ड लिख दिया, और इसको इंग्लिश वर्णमाला के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या आएगा? एस, एस के बाद ये आई है, एस के बाद वापस एस आएगा, इनकम्प्रेसिबिलिटीज, तो वापस 3 बार एस आएंगे। इसी के नीचे हम लिखते हैं 3 बार एस, उसके बाद से ये 3 S हटा दिया हमने, ये 19 पे है, 19 के बाद आएगा R, R लिख दिया हमने, 18 और कहीं नहीं दिख रहा, 18 से छोटा आप क्या दिख रहा है आपके पास? अच्छा, उसके भी पहले आपको 20 दिखाई दे रहा है, तो आपने 20 लिख दिया है ना, 20 के बाद 19, 19, 19, फिर 18 के बाद आपके पास क्या बच गया? 16,
पी, 16 के बाद आपके पास क्या बचा है, 16 के बाद आपके पास बचा है 14, एन, 14 के बाद आपके पास बचा है एम, 13, और 13 के बाद आपके पास क्या बचा है, चौदह के पहले ओ बचा है ना, 15 नंबर, उसके बाद एन आएगा, फिर एम आएगा, एम हटा दिया, उसके बाद क्या आएगा, 12 नंबर एल, 12 के बाद क्या आएगा, 9 नंबर, मतलब आई कितनी बार आएगा, 3 बार, एक आई ये यहां लिख दिया, दूसरा आई ये यहां लिख दिया, तीसरा आई ये यहां लिख दिया, और चौथा आई ये यहां लिख दिया, कितने आई आ गए, 1, 2, 3, 4, और एक आई ये, 5 आई आ गए, और L को हम पहले लिख चुके हैं तो L को हटा दिया हमने। अब हमारे पास क्या बच गया है, ये B, E, E और C, तो सबसे पहले क्या आएगा, E, इसको हटा दिया यहां से, फिर क्या आएगा, E, फिर इसको भी ऐड कर लिया, अब उसके बाद क्या आएगा, C, C को यहां लिख लिया, और C के बाद आपके पास बच गया B, तो B को यहां लिख लिया, क्लियर है ना, मतलब इस तरीके से आपको अरेंज करना था। अरेंज करने के बाद आप यहाँ पे इनकंप्रेसिबिलिटीज लिख दीजिए, जो जिसके नीचे ऊपर आएगा, एक बार क्लियर चेक कर लीजिए, 20, 20 के बाद 19, 19, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 3 और 2, सारा अरेंज है। अब अरेंज अगर है तो एक बार हम लिख लेते हैं, तो ऐसे कितने वर्ड आ रहे हैं आपके सामने, ऐसे 2 वर्ड आने चाहिए आपके सामने, है ना। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा, देखो जरा ध्यान से, साफ साफ लिखते हैं, और सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 9, 14, 3, 15, 13, 16, 18, 5, 19, 19, 9, 2, 9, 12, 20, 9, 12, 9, 20, 9, 5, 19, यही बोला गया है इनकम्प्रिहेंसिबिलिटीज। ओहो, ये तो मैं सवाल ही गलत लिख रहा हूं, इन कॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, अब यहां देखिए 9, 14, 3, 15, 13, 16, 18, 5, 8, 5, 14, 19, 9, 2, 9, 12, 9, 20, 9, 5 और 19, सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा, 20 नंबर, सबसे पहले क्या आएगा, 20 नंबर, तो मतलब सबसे पहले टी आएगा, टी लिख दिया हमने, 20 के बाद 19, 9, 5, 9, 12, 9, 2, 9, 19, 14, 5, 8, 20 से बड़ा कोई वर्ड नहीं है, 20 के बाद क्या आएगा, 19 नंबर। अब जहां जहां 19 से काट दीजिए, 19 कहां पे है आपका, एस, यहां पे 19 है तो हमने एस लिख दिया, 19 और कहां है यहां पे, 19 इसके आगे है यहां पे, तो फिर एस लिख दिया, 19 के बाद फिर कौन सा आएगा, 18 नंबर, तो हमने 18 लिख दिया, टी एस एस आर, 18 और कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, 18 से छोटा फिर कौन सा है, 16, तो यहां पे क्या आएगा, पी, क्लियर, तो ये 16 हमने काट दिया, 16 के बाद आपके पास क्या आने वाला है, 16 के बाद आपके पास 15 आने वाला है, ओ, ये हट गया, 15 के बाद आपके पास 14, एक बार ये आने वाला है, एन, फिर 14 कौन सा आने वाला, फिर एन आने वाला है, 14 ये, आगे भी 14 है, नहीं है, उसके बाद से क्या आने वाला है आपके पास, 13 है, एम,
उसके बाद 13 और भी कहीं है? नहीं है। 13 से छोटा फिर कौन सा आने वाला है? 12। L, ये हट गया। 12 के बाद छोटा कौन सा है? 12 के बाद छोटा अब है आपके पास 9। और 9 कितनी बार है? एक एक करके देखते हैं। ये 9 आई, फिर ये 9 आई, फिर ये 9 आई, फिर ये 9 आई इधर, फिर ये 9 आई। उसके बाद आपके पास 9 के बाद आने वाला है 8। 8 के लिए ये H, और 8 के बाद आपके पास 5, 4 तो है नहीं, 5 है, और 5 के बाद 3 है, तो 5 1 ये, 5 1 ये, और 5 1 ये, और 5 के बाद आपके पास क्या आएगा? 3, तो 3 1 ये लिख दिया सी। अब आपको चेक करना है, इसी के नीचे आप इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज वापस लिख दीजिए। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज ये आपके सामने लिख दिया आपने, और अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ऐसे कितने वर्ड हैं, ऐसे इसमें कितने, ये बड़ा लंबा सा और गंदा सा सवाल है। इसमें एक ये वर्ड है और एक ये है, दो ऐसे हैं जो अपना स्थान चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कि दो ऐसे हैं जो अपना स्थान चेंज नहीं कर पा रहे। ये लंबा सा क्वेश्चन है, इसको जबरदस्ती घुमा के और लेंदी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जरा गौर से अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a ना तो छोटा है b से और ना ही बराबर है b के। इसका मतलब a b से ना तो छोटा है और ना बराबर है, तो a b से बड़ा होगा। ये किसका मतलब है? a प्लस बी का मतलब है। a प्लस बी का मतलब क्या है? कि a b से बड़ा है। a माइनस बी का अर्थ है a बड़ा नहीं है b से। a अगर b से बड़ा नहीं है तो a या तो b से छोटा होगा या बराबर होगा। a क्रॉस b का अर्थ है a छोटा नहीं है b से। a क्रॉस b का अर्थ है a छोटा नहीं है b से, तो a 100% b से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। a डिवीजन b का अर्थ क्या है? कि a ना तो बड़ा है b से ना बराबर है b के। तो इसका मतलब a ना तो बड़ा है और ना बराबर है, तो a b से क्या होगा? छोटा। और a प्लस माइनस b का अर्थ है a ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो a किसके होगा? b के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने डिकोड कर दिया इन सारे वर्ड्स। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बोला गया p इंटू क्यू, तो इंटू का मतलब क्या है? तो आप यहां लिख सकते हैं पहली इक्वेशन p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। a इंटू बी का मतलब क्या है? a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब p क्रॉस q का मतलब क्या है? p इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू q। ये पहली बात। दूसरी बात है p माइनस t। p माइनस t का मतलब p इज लेस देन और इक्वल टू t। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात क्या है? t डिवीजन r। t डिवीजन का r का मतलब होता है t इज लेस देन r। ये तीसरी बात कही गई है। और r प्लस माइनस s का मतलब है r बराबर है किसके? s के। ये चौथी बात। अब अगर मैं इन सबको इकट्ठा करूं तो आप इकट्ठा p से उस स्टार्ट करके कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q। और t किससे बड़ा है? p से, तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। और r किससे बड़ा है? t से, तो r इज ग्रेटर देन t। और r किसके बराबर है? s के, तो r इज इक्वल टू s। ठीक है ना, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इसी के बेस पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं, और देखो दोनों कथनों में भी कोडिंग की गई है, मतलब जानबूझ के आपके क्वेश्चन को बहुत लेंदी लंबा बनाया गया है। तो देखो q प्लस माइनस t का अर्थ क्या है? q बराबर है किसके? t के। और s प्लस q का मतलब क्या है? s ग्रेटर है किसके? q के। आपको इन दोनों ही कंक्लूजन में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मैं पहले कंक्लूजन की बात करूं तो बोला गया है q बराबर है t के। q किसके बराबर है? t के।
आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि टी किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है, तो पहला कंक्लूजन तो गलत। दूसरा बोला गया एस बड़ा है किससे, क्यू से। डेफिनेटली आपको पता है कि इन सारे ही सिंबल में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ग्रेटर देन की, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की, और फिर इक्वल टू की। ऐसे ही छोटे में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है लेस देन, फिर लेस देन, इक्वल टू, और फिर इक्वल टू की। तो इन सब सारे ही सिंबल में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन, जो एस और क्यू के बीच में आ रहा है, इसलिए कंक्लूजन नंबर टू क्या है, सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कथन से केवल निष्कर्ष दो निगमित होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहां पे और मुझे लग रहा है ये अंतिम ही क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि बोला गया कि यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 की पावर 10वां दिन कौन सा दिन होगा। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 10 की पावर 10वां दिन में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले एक एक करके बहुत बेसिक से बताता हूँ। बताओ 10 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 10, 10 को डिवाइड करो 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, 3। क्लियर है? तो अगर सिर्फ 10 दिया होता तो हम 3 जोड़ देते, लेकिन 10 की पावर 2 पे चलते हैं, 10 की पावर अगर हम 2 पे जाएंगे तो क्या आएगा, 100। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। या आप क्या कर सकते थे कि देखो अगर यहां 10 की पावर 1 में 3 बचा है तो आगे अगर फॉरवर्ड करेंगे स्क्वायर तो ये 10 30 के साथ जुड़ जाता, अगर 30 के साथ जुड़ जाता डिवाइड करते 7 से तो भी रिमाइंडर क्या आता, 2। अब इसी तरीके से चलेंगे, अब 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो इसमें से 10 उठा के इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 20, डिवाइड करो 7 से रिमाइंडर कितना आ गया, 6। ऐसे ही 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस 6 में 10 और जोड़ेगा, 7 से डिवाइड कर दिया रिमाइंडर कितना आएगा, 4। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 की पावर 5 तो 4 में 10 जोड़ दिया डिवाइड कर दिया 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। ऐसे ही 10 की पावर 6 तो 5 में 10 जोड़ दिया और 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ऐसे 10 की पावर 7 तो फिर 10 को डिवाइड करेंगे 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ऐसे 10 की पावर 8 तो 3 में 10 जुड़ जाएगा, 30 डिवाइड करेंगे 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ऐसे ही 10 की पावर 9 तो फिर 20 में 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 6। और ऐसे ही करेंगे 10 की पावर 10 तो कितना आएगा, 60। और 60 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आपसे पूछा गया आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 की पावर 10वां दिन कौन सा होगा, तो रविवार में आपको 4 जोड़ देना था और आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी बृहस्पतिवार, जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर होता। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये जो पेपर था ये बिल्कुल ही आसान पेपर तो नहीं कह सकते हम, और इसके लिए आपको अब वापस से सीसेट के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सीसेट 2 से 3 महीने जो आप टारगेट लेके चलते हैं कि 3 महीनों की तैयारी के दौरान आप सीसेट के क्वेश्चन को बड़े आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, पेपर को बड़े आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, ये अब आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल देखने के बाद आपको ये खुद रियलाइज हुआ होगा कि ये पेपर 2 से 3 महीने की तैयारी के बाद इस पेपर को आसानी से सॉल्व करना बेहद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 महीने तो आप सिर्फ बेसिक बेसिक बातें पढ़ते हैं। क्लियर है? लेकिन जितने डीप में क्वेश्चन जाके पूछा गया है आपके पेपर में, उस डीप में पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, जीएस के बराबर तो नहीं, लेकिन जीएस से कम भी समय आपको नहीं देना पड़ेगा ऐसे पेपर को अगर आपको सॉल्व करना है तो। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी मजबूरी है कि अब आपको सीसेट को वापस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल पिछले बार की तुलना में इस बार का लेवल टफ है, अगले बार के लेवल और भी ज्यादा टफ आ सकता है, तो अब आप सीसेट के पेपर को हल्के में नहीं ले सकते। रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने से मैच करवा लीजिएगा, और रीजनिंग के जो प्रश्न आपके सामने आए हैं उसका सॉल्यूशन और उसका आंसर आपके सामने आ चुका है, तो बाकी के सेक्शंस अलग अलग टीचर्स आपको फैकल्टीज करवाएंगे, उनको भी देखिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू।